आज हरतालिका तीज है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या नई नई माँ बनी हैं और तीज का व्रत करना चाहती हैं, तो आप और आपका बच्चा सुरक्षित रहे इसके लिए व्रत के दौरान इन बातों का ध्यान जरूर रखें। प्रेगनेंसी के दौरान व्रत रखने का फैसला आपकी सेहत को देखने के बाद ही लिया जा सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे को व्रत की वजह से होने वाले किसी भी जोखिम से बचने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह डॉक्टर से पहले सलाह जरूर ले लें। एक बात और बता दें, आप प्रेगनेंसी में कम पानी पीना हो सकता है खतरनाक आपके लिए। प्रेगनेंसी में फास्ट के दिन चाय या कॉफी ज्यादा ना पिए, इससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है जो बच्चे के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जूस पिए और ताजा व साफ फल खाएं। व्रत में मीठी चीजें खा सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में ज्यादा मीठा खाना बच्चे और माँ दोनों के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए इसकी जगह आप फल पर ही निर्भर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निर्जला व्रत करने की गलती ना करें। ये याद रखें कि आपके साथ आपका बच्चा भी आपके खाने और पीने पर निर्भर करता है, इसलिए व्रत के दौरान नारियल पानी आदि पीते रहें। व्रत के दिन बहुत ज्यादा ना चलें, खासकर लंबी दूरी तक ना जाएं, बाहर तेज धूप में निकलने से बचें। पूजा के लिए लंबी अवधि तक ना बैठे रहें, इससे प्रेग्नेंट महिला को तकलीफ हो सकती है। दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। हर पल सच्ची खबर के लिए आज हमें सब्सक्राइब करें।